want OPS. We want OPS. We want OPS. We want OPS. We want OPS. ये चार दिन से धरना चल रहा था, चार दिन से, और केवल दिल्ली में नहीं बल्कि देश के कोने कोने में ये हंगर फास्ट रखा गया था, केवल और केवल पुरानी पेंशन की बहाली के लिए। आज चौथा दिन था, अंतिम दिन था। आज हो सकता है हम लोगों की कोशिश है कि चार दिन हम लोगों ने उपवास करके भारत सरकार को, वित्त मंत्रालय को एक मैसेज देने की कोशिश की है कि देश का 85 लाख कर्मचारी और उसका परिवार केवल और केवल पुरानी गारंटीकृत पेंशन व्यवस्था चाहता है। पुरानी गारंटीकृत पेंशन व्यवस्था का मतलब है कि 10 साल की नौकरी पूरी अगर हो गई है, उसके बाद जब भी उसका रिटायरमेंट हो, वॉलंटरी रिटायरमेंट हो या 56J के तहत रिटायरमेंट हो, उसको भैया लास्ट बेसिक सैलरी और DA के अनुपात में उसे पेंशन की गारंटी दे दो। जब कभी आप पे कमीशन लागू करो उसका फायदा पेंशनर को दे दो, बस इतनी सी बात है। आप 14% डालो, 24 डालो, 34 डालो, हमें से कोई लेना देना नहीं है। आप कहो तो हम अपने कंट्रीब्यूशन को 2 गुना 3 गुना कर देंगे, इसी भारत सरकार की अर्थव्यवस्था को हम 4 गुना पहुंचा देंगे। मार्केट में जो पैसा आप निवेशित कर रहे हो वो 3-4 गुना पहुंचा देंगे, बशर्ते आप हमारे हमारे फंड पर, हमारे कंट्रीब्यूशन पर GPF की सुविधा ला सकते। मैं ये कह रहा हूँ सर, आप लगातार कर रहे हो ये काम, और आप लोग ऐसे युवा हो, मुझे लग रहा है ये लड़ाई बहुत लंबी होगी। सरकार है कि सुनने को लड़ाई कैसे लेंगे आगे। लंबी की तो बात यह है कि 16 साल मुझे नौकरी में हो गया, 10 साल आंदोलन करते हो गया, लोग रिटायर होने लगे, अब इससे ज्यादा और क्या लंबी। हमारे बच्चे छोटे थे, कुछ तो पैदा नहीं हुए थे, वो भी 10-10, 12-12 साल के हो गए। तो अब हमारा मानना है कि 2024 जो वर्ष है, अभी जिसकी शुरुआत हुई है, ये पुरानी पेंशन बहाली के लिए अंतिम वर्ष है, सौगात का वर्ष है। इस वर्ष मोदी जी की तरफ से हम लोगों को पुरानी पेंशन की सौगात जरूर मिलेगी, हमें बहुत विश्वास है इस बात पर। तो क्या लगता है सर, 22 जनवरी को जो राम मंदिर का, हम तो आपके माध्यम से भगवान राम से ही अपील करते हैं कि आपको आपका घर मिल गया और हमें हमारा आश्रम मिल जाए, इससे बढ़िया क्या बात होती। 22 जनवरी को हम लोग 3 गुने दिए जलाएंगे, एक आपको आपके घर के लिए और दूसरा हमें हमारे बुढ़ापे की सुरक्षा के लिए। हम सुरक्षित रहेंगे तो ही तो दिए जलेंगे, अगर हम ही सुरक्षित नहीं तो दिए कौन जलाएगा। दिए जलाने वाले हम और हमारे ही परिवार हैं, तो राम से भी यही दरख्वास्त है। हम तो अपने एक साथी को भी भेजेंगे कि वहां भी दिया जला करके आओ, पुरानी पेंशन बहाली का दिया जला करके आओ, ताकि राम जी के जितने दिए जले उनमें से एक दिया दिखाई पड़े कि देश के 85 लाख कर्मचारियों की आवाज का दिया है पुरानी पेंशन बहाली का। मैं कह रहा हूँ सर, ये 2024 में जो है आपको सारा पार्लियामेंट का सेशन ही खत्म हो गया, फरवरी में लास्ट लगने वाला है, उस सेशन में कोई मतलब प्रतिनिधि आपका ऐसा होगा जो पुरानी पेंशन का जिक्र करे, किसी से आपने पार्लियामेंट के मेंबर से बातचीत करी? देश के जितने भी पार्लियामेंट के मेंबर हैं, हमारी तरफ से वो सारे हमारे प्रतिनिधि हैं, सरकार के और विपक्ष के भी, दोनों ही हमारे प्रतिनिधि हैं। लोगों ने आवाज उठाई है, भाजपा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उन्होंने भी हमारी बात को उठाया है, जो NTBJP हैं या दूसरे दल के लोग हैं उन्होंने भी हमारी आवाज को उठाया है। इसी सरकार ने 3 मार्च 2023 को एक कमेटी का गठन किया है, तो हमारा जो इलेक्टेड बॉडी है, जिसको हम कहते हैं कि चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, जो भी इलेक्टेड बॉडी है, उन सभी लोगों से अपील है कि एक बार फिर इस मुद्दे पर आप लोग संसद में अगर जरूरत पड़े तो वॉकआउट करिए। आप अपने मुद्दों के लिए मेजे थपथपा लेते हैं, आप अपनी तनख्वाहें जब बढ़ानी होती है। नई पेंशन स्कीम से आपको दिक्कत क्या है? बहुत बड़ी दिक्कत है, आपने पूछ लिया, मैं बताऊं आपको। नई पेंशन जो व्यवस्था है वो ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी की कोई भी गारंटी नहीं देता। इमेजिन कीजिए, आज अगर मैं 60 साल का हो रहा होता 20 साल की नौकरी के बाद, तो नई पेंशन व्यवस्था में मुझे केवल 4,000 रुपए पेंशन मिलती, जबकि पुरानी पेंशन व्यवस्था में, आप बताइए दिल्ली में कोई आदमी रहेगा, उसका परिवार रहेगा, क्या 4,000 रुपए से वो अपना घर और खर्चा चला सकता है? अगर मैं 2041 में रिटायर होऊंगा उस समय मुझे न्यू पेंशन स्कीम में ज्यादा से ज्यादा 17,000 की पेंशन मिलेगी, जबकि पुरानी पेंशन व्यवस्था में आज अगर मैं आज रिटायर हो जाऊं तो मुझे 60,000 रुपए की पेंशन मिलती है, ये फर्क है। अब आप सोचिए कि महंगाई कहाँ है, आज भी बिना पैसे, मैं कहता हूं कि पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी तो नहीं, बिना पैसे के आप अपनी दैनिक जरूरतों को कैसे पूरा करेंगे? मोदी जी कहते हैं कि भारत आर्थिक महाशक्ति बनने वाला है, 25 साल में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तो मैं ये कहता हूँ कि कैसी अर्थव्यवस्था जिसमें आप कहते हो कि हमने 100 करोड़ लोगों को राशन पहुंचाया, और जो यहाँ 1 करोड़ लोग हैं
उनको आप आर्थिक सुरक्षा उनको भी नहीं दे सकते, तो कौन से भारत की बात हो रही है? 140 करोड़ तो टोटल भारत है, जिसमें 110 करोड़ आपने बाहर कर दिए, तो क्या आप केवल 30 करोड़ लोगों को भारत मानते हैं? उनकी अर्थव्यवस्था का क्या, उनकी सुरक्षा का क्या, उनके सामाजिक दायित्वों का क्या, उनके सामाजिक निर्वहनों का क्या? मैं ये बात जानना चाहता हूँ। तो हम इसलिए हमें नई पेंशन व्यवस्था से लोकसभा में ये मुद्दा होने वाला है पुरानी पेंशन स्कीम। देखिए बिल्कुल, इसी भारत सरकार ने, इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3 मार्च 2023 को हम लोगों के आंदोलन के चलते कमेटी का गठन किया है। इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अब तक 3 बड़े बदलाव किए एनपीएस में, तो हमें पूरा विश्वास है यही पार्टी, यही सरकार पुरानी पेंशन भी बहाल करेगी। तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि किस पार्टी, कौन सी पार्टी आएगी जो काम कर सकती है ओल्ड पेंशन स्कीम के? देखिए पार्टी को हम और ज्यादा नजर से इसलिए नहीं देखते क्योंकि हम खुद सरकार हैं, क्योंकि हम सरकार का हिस्सा हैं। सरकार दो तरह की होती है, एक इलेक्टेड और एक सिलेक्टेड। वो इलेक्टेड है, हम सिलेक्टेड हैं, लेकिन दोनों ही मिल करके पूरी सरकार बनते हैं और पूरे देश के लिए काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है, हम खुद के चुनने ना चुनने की बात करें ये ठीक नहीं लगता। हम लोगों के वोट जरूर पड़ते हैं, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जरूर मिला है, लेकिन हम किसी भी पार्टी को पार्टीवाद की नज़र से नहीं देखते। जो भी सत्ता में चुन करके आ जाता है हमारे लिए वही इलेक्टेड सरकार है, हम उसके साथ मिलके काम करते हैं। लेकिन अगर वो पार्टी चाहे कोई भी हो, अगर हमारे हितों की बात नहीं करेगी, हमारे हकों की बात नहीं करेगी, तो हम असहयोग करेंगे। और फिर उस दिन 552 लोकसभा के सदस्य, 250 राज्यसभा के सदस्य, हर विधानसभा का विधायक और जितनी भी विधान परिषदें हैं उनके विधान परिषद के सदस्य मिल करके भी हमारे असहयोग के आगे टिक नहीं पाएंगे और उस दिन उनको सरकार चलाना भारी पड़ जाएगा। हमारा असहयोग इतना बड़ा, बड़े स्तर का होगा कि देश का एक एक कर्मचारी उसके साथ खड़ा होगा और कलम बंद चाहे हड़ताल करनी पड़े तो वो हड़ताल। कह रहे हैं कि हमारे पास इतनी पैसे नहीं है कि हम पुराना पेंशन लागू करें, बहुत पैसा खर्च होता है इसमें। अच्छा, एक तरफ कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, एक तरफ कह रहे हैं भारत दुनिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनता जा रहा है। पहले आप तय कर लो कि आप किस तरफ हो, भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है उस तरफ हो या हम कंगाल हैं इस तरफ हो, फिर मैं बताऊं कि पैसा है कि नहीं है। फिर मैं गिनाऊं कि कौन कौन सी योजनाओं में आपने हजारों करोड़ रुपए गंवा दिए, पानी की तरह बहा दिए, कैसे फ्री बीज के नाम पर आपने वोटों को खरीदा, फिर बताएं हम कौन सी योजना में। अभी आप हर घर नल योजना की बात करते हैं, जहां भी आपने 50 लाख की पानी की टंकियां बनाई, आप उठा करके देख लीजिए, जिन गांवों में पानी था जरूरत नहीं थी आपने सारा पानी वहां से टंकियां बना दी और जबरदस्ती कनेक्शन किए, उनसे या तो भैंसे नहा रही हैं या भेड़ बकरियां नहा रही हैं। हजारों करोड़ आपने डकार लिए और वहां का वाटर लेवल 300 फुट नीचे चला गया, जहां 20 फीट पे पानी था, जहां 100 फीट के अंदर पानी था वहां 2000 फीट पे पानी चला गया, आप बताओ। लेकिन आपको दुनिया को दिखाना है कि भैया हम सबको पानी दे रहे हैं, आप पानी नहीं दे रहे, पानी की तरह पैसे को निचोड़ रहे हैं। निचोड़ने के लिए चाहे जो करना पड़े आप कर रहे हो। मैं ऐसी कितनी योजना बता दूं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उठा करके देख लीजिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना उठा करके देख लीजिए, कितने लोगों ने स्किल पाया, कितने लोग रोजगार में लग गए, बताइए मुझे आपकी नजर में कोई हो तो। 20-20 हजार करोड़ रुपए साल में लुटाए गए हमारी पेंशन, तो उसके लिए तो हम भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और पेंशन कोई खैरात नहीं मिलती है। पेंशन हमारी अर्जित सेवाओं के बदले सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा है जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है, उसमें पहले से व्यवस्था है पेंशन की। हर जो हमारा जब भी बजट आता है उस बजट में अलग अलग मद होते हैं, पेंशन का मद उसका एक हिस्सा है, तो आप उसको फ्री बीज नहीं कह सकते। सर एक सवाल मेरा लास्ट, जैसे सांसद और विधायक दो तीन तीन चार चार पेंशन लेते हैं और क्या नाम है, आप लोगों को एक भी पेंशन के बारे में नहीं बात करते, अपनी तनख्वाह बढ़ानी एक भी उसमें सेशन में पारित करा लेते हैं, उसको लेकर आप क्या सोचते? बड़ी सीधी सी बात है, सरकार को ये सोचना चाहिए, ये ईमानदार इतनी सरकार है, ये इतनी निश्चल सरकार है, पूरा देश आज मीडिया भी बोल रहा है कि सांसद विधायक कई कई पेंशन ले रहे हैं, कई बार लोगों ने आरटीआई डाल करके निकाला कि लाल लाख लाख 5-5 लाख रुपए पेंशन ले रहे हैं, और वो लोग जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, आप ये बताइए कि क्या उनको 4-4, 5-5 पेंशन की जरूरत है? जब आदमी अपने लिए ईमानदार नहीं है तो हमारे लिए ईमानदार कैसे होगा? मुद्दा ये है पहले उन्हें भी तय करें कि उनको वो भी एनपीएस लें हमारी तरह, वो भी एनपीएस लें और उसी से वो भी पेंशन लें। जज जितने भी चाहे किसी राज्य में हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो, चाहे हाई कोर्ट में हो, जितने भी जज हैं वो भी एनपीएस लें पहले,
आर्म्ड फोर्सेज वो भी पहले एनपीएस ले, आयोग के मेंबर वो भी पहले एनपीएस ले, तब बताएं कि एनपीएस ठीक है। अगर आधे लोगों को आप एनपीएस दे रहे हो, आधे लोगों को आप पुरानी पेंशन व्यवस्था में रख रहे हो, तो ये तो एक देश दो विधान हो गया। और आप तो खुलेआम चिल्लाते हो एक देश एक विधान, कहाँ है एक देश एक विधान? आप कह रहे हो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक भारत एक है, कहाँ एक है? आगे आप क्या करने वाले हैं ये बता दीजिए। देखिए आज भूख उपवास का हमारा उपवास का चौथा अंतिम दिन था, सरकार तक संदेश पहुंचाने के लिए कि इलेक्शन के रिजल्ट कुछ भी रहे हो, हम अपनी मांग पर, अपने मुद्दे पर, अपने आंदोलन पर अड़िग हैं। 2024 का चुनाव आएगा और जाएगा, हमें उससे कोई लेना देना खास है नहीं। अगर आपने उससे पहले पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल नहीं किया तो डेफिनेटली हम ऐसा असहयोग करेंगे कि उसमें आपकी चाहे जीती हुई सरकार हो, चाहे हारी हुई कोई भी, और चाहे कोई दूसरी पार्टी आ।